Morning students, I am Neetu ma'am, here to teach you English grammar, and the topic for today is tense. I am going to teach you about tense. What is tense? How many kinds of tense? Verbs change form according to the time of the action. They are called tenses. There are three types of tense. First one is present tense, second one is past tense, and third one is future tense. Now about present tense. What is present tense? Present tense denotes action in the present time. जो वर्तमान में हो रहा है उसे हम लोग वर्तमान काल कहते हैं. Present tense को हिंदी में हम लोग वर्तमान काल कहते हैं, इसलिए जो काम वर्तमान में होता है उसे हम लोग present tense कहते हैं. Second one is past tense. Past tense denotes action completed in the past. पास्ट टेंस जिसे हम लोग हिंदी में भूतकाल कहते हैं, जो काम कंप्लीट हो चुका है, पहले हो चुका है, उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं. थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल. फ्यूचर टेंस डिनोट्स एक्शंस और प्लान्स विच विल हैपन इन द फ्यूचर. जो काम अभी हुआ नहीं है, आगे होने वाला है भविष्य में, उसे हम लोग भविष्यकाल कहते हैं. दैट इज फ्यूचर टेंस. नाउ all the three tenses have their own kinds. There are four types of present tense. First one is simple present tense, second one is present continuous tense, third one is present perfect tense, fourth one is present perfect continuous tense. Similarly, there are four types of past tense also: simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. There are four types of future tense also: simple future tense, future continuous tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. Now all the tenses have their own structure. Without a structure we can't make the sentence, and we can't know that which types of sentence are there. So they are having their own structure. Structure of simple present tense is subject plus v1 or v5 plus object. Now we should know about what is subject. Subject hai kya? Subject is the doer of the sentence. Vakya mein hum jiske bare mein baat karte hain use hum log subject kehte hain. Like they play cricket. वे लोग क्रिकेट खेलते हैं. क्रिकेट कौन खेलता है? तो वे लोग खेलते हैं. तो ये दे जो हुआ वो सब्जेक्ट हो गया. आफ्टर दैट, आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज v1 और v5. देन हाउ वी विल यूज v1 और v5 विद सब्जेक्ट, इसके लिए हमें पता करना होगा कि किसके साथ हम लोग v1 का यूज करेंगे, किस नाउन के साथ हम लोग v5 का यूज करेंगे. आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन के साथ हम लोग v1 का यूज करेंगे. अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम लोग v5 का यूज करेंगे. जैसे दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो दे इज नॉट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे v1 का यूज किए हैं, प्लस ऑब्जेक्ट है. अब इस टाइप के सब्जेक्ट प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे हम लोग SES का यूज किए, V5 का यूज, बिकॉज द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. क्योंकि इसका सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए हम लोग यहाँ V5 का यूज किए हैं. नाउ देयर इज नेगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव फॉर्म भी है. उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डोंट, डजंट, डोंट और डजंट प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब हम लोग जब निगेटिव फॉर्म का यूज करते हैं तो पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डोंट डजंट प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट. अब डोंट और डजंट का यूज हम कैसे करेंगे? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जिसमें हम लोग v5 का यूज करते थे, जिसके साथ वर्ब में, वहां हम लोग डजंट का यूज करेंगे. और आई, वी, यू, दे प्लूरल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा जो नाउन होते हैं,
उसके साथ हम लोग वी वन का यूज करते थे, उसके साथ हम लोग डोंट का यूज करेंगे। आई वी यू दे प्लूरल के साथ हम लोग डोंट का यूज करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग निगेटिव फॉर्म में डजंट का यूज करेंगे। प्लस इसमें सिर्फ वी वन का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ आई एम शोइंग यूज एग्जाम्पल्स हाउ टू यूज डोंट और डजंट। पहले सब्जेक्ट है तो पहले ही सब्जेक्ट के साथ हम लोग थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम लोग डजंट का यूज किए, फिर वी वन है प्ले का यूज किए, फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल। ही डजंट प्ले फुटबॉल मीन्स हम लोग इस तरह के सेंटेंस को समझेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव फॉर्म है ये। नाउ सेकेंड सेंटेंस इज आई डोंट प्ले क्रिकेट। आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है इसलिए इसके साथ हम लोग डोंट का यूज किए हैं, देन वी वन, देन ऑब्जेक्ट। नाउ आई एम टेलिंग यू अबाउट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म भी होता है जिस हाउ टू मेक क्वेश्चन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। स्ट्रक्चर इज डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस